आप सनातन धर्म के प्रचार के लिए, सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए, हिंदुओं के मान बिंदुओं की रक्षा के लिए, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, क्योंकि गुरुदेव भगवान विगत 31 वर्षों से गोवर्धन पीठ पुरी से जो वैजयंती ध्वजा फहरा रहे हैं, भारत में नहीं, आपने सुना ही, ब्रह्मचारी जी ने बताया कि आज यह महोत्सव 50 देशों में मनाया जा रहा है, भारत के कोने कोने में मनाया जा रहा है। और ये हिंदू राष्ट्र का जो आवाज है भारत में ही नहीं विश्व में गूंज रहा है कि पुरी के भगवान शंकराचार्य जी ने, ये शंकराचार्य जी कौन होते हैं, शासकों के शासक हैं शंकराचार्य जी, शासन तंत्र से जुड़े हुए केंद्र और राज्य सरकार अच्छी तरह जान लें कि शंकराचार्य जी शासकों के शासक हैं और न्यायाधीशों के भी न्यायाधीश। इसलिए दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में भी महाराज श्री का संबोधन होता है और जो वक्तव्य दे देते हैं उसको सुप्रीम कोर्ट भी मानता है। समय कम है, बहुत से उदाहरण हैं जो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, सनातन मान बिंदुओं की रक्षा के लिए गुरुदेव ने 31 वर्षों तक जो अभियान चलाया है वो पूरे विश्व को प्रभावित करता है, देश को ही नहीं। हम जैसे आप सब बच्चे हैं वो तो बहुत महत्व देते हैं छत्तीसगढ़ को, यहाँ की जनता को, उनकी ये विशेष कृपा और आशीर्वाद है। इस तरह के ये कृपा और आशीर्वाद जीवन पर्यंत बना रहे और गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर, जैसा कि आपने सुना कि हिंदू सेना जय उद्घोष करते हैं ना आप, हर हिंदू सनातनी हो, हर हिंदू सेना हो, तो सेना के रूप में हम सब लोगों को उनके चरणों में समर्पित होना है। इसलिए आयोजन होता है, प्राकट्य उत्सव कैसे मनाना चाहिए, जन्मदिन कैसे मनाना चाहिए, इसलिए आयोजन हो रहा है। इन भावना के साथ आप सबका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और यह आश्रम समग्र हिंदू समाज का है, सनातन धर्मावलंबियों का है, क्योंकि शंकराचार्य समग्र हिंदू समाज के लिए वो प्रेरणा स्रोत हैं, मार्गदर्शक हैं और विश्व गुरु हैं। उस रूप में उनके चरणों में समर्पित हों, आप सबको नमन करते हुए हर हर महादेव। इस वक्तव्य के क्रम में मैं निवेदन करूंगा दंडी स्वामी श्री गोविंदानंद सरस्वती जी महाराज, आप जगत गुरु जी के कृपा पात्र हैं, पंपापुर पंपा सरोवर जहाँ श्री हनुमान जी की जन्मस्थली है, वहाँ पवित्र दिव्य भव्य हनुमत मंदिर का निर्माण भी आपके माध्यम से आपको निमित्त बनाकर भगवान करा रहे हैं। आप श्री चरणों में उपस्थित हैं, जगत गुरु जी के कृपा पात्र हैं, विरक्त और विद्वान महापुरुष हैं। मैं निवेदित करूँगा श्री स्वामी गोविंदानंद सरस्वती जी महाराज से निवेदन करूँगा कि वे अपने संक्षिप्त उद्बोधन से हम सबों को लाभान्वित करें। नारायण समारंभां व्यास शंकर मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां श्रुतिस्मृति पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। प्रातस्मरणी अनंतश्री विभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य महाराज श्री की श्री चरणों में अनंत कोटि श्री साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आप सभी भक्तों की जैसे ही एक सामान्य भक्त है। कवर्धा लोगों के लिए आज ऐसे सौभाग्य मिला कि साक्षात जगन्नाथ भगवान की जो प्रतिरूप है आद्य शंकर भगवत्पाद जी का, जो साक्षात पीठासीन आचार्य जी का जन्मोत्सव प्राकट्य महोत्सव इतना भव्य रूप से मनाने के लिए सौभाग्य मिल रही है, ये सचमुच
भारत देश में आगे शंकराचार्य जी का जन्म प्राकट्य महोत्सव कैसे मनाना चाहिए कि कोई दूसरा जगह में किसी के मन में इच्छा आया तो कवर्धा आकर यहां से सीखना चाहिए कि एक शंकराचार्य जी का जन्म प्राकट्य महोत्सव दिन कैसे मनाना आता है। और भगवान शंकराचार्य जी गुरु महाराज जी के श्री चरणों में एक निवेदन कर रहे हैं, पहले ही हमको आश्वासन भी मिला उसके कार्यानुरूप ही कार्य भी हो रहे हैं। आप सभी लोग विदित हैं कि अयोध्या में श्री रामचंद्र भगवान के लिए भव्य मंदिर बन रहे हैं। इतना भव्य मंदिर हम सभी लोग देख पा रहे हैं, इसका मतलब इसकी पृष्ठभे इसके पीछे मूल भाग मूल कार्यकर्ता के रूप में मूल जो डिसीशन की निश्चयात्मक करके एक मार्गदर्शन अभी तक दिखाया, इसीलिए अभी वहां मंदिर बनने के लिए मार्ग सुगम हुआ। इसके लिए एक कारण है, हम सभी लोगों के सामने विराजमान गुरु महाराज श्री हैं। सभी लोगों को यह इतिहास पता नहीं है, हम ये महाराज जी के श्री चरणों में अनेक बार बारंबार प्रार्थना भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारा कवर्धा में जो भक्तादि लोगों को भी हम अनुरोध कर रहे हैं, स्वागत भी कर रहे हैं। जिस आचार्य की प्रेरणा से मार्गदर्शन से अभी अयोध्या में श्री रामचंद्र भगवान के भव्य मंदिर बन रहे हैं, वहां भी एक रास्ता सुगम हो गया। क्षमा करना चाहिए, आत्र में कवर्धा आ गया, रायपुर है। और जिस आचार्य के मार्गदर्शन में हम सभी लोगों के लिए एक सौभाग्य मिल रहे कि राम जन्म भूमि में एक भव्य मंदिर रहे हैं बन रहे हैं, ऐसे ही हम सभी लोग एक और सौभाग्य में भविष्यत काल में मिलने वाले हैं। वो ऐसा सौभाग्य है कि ये धरती कौशल्या माता जी का भी जन्म स्थान है। इसी कौशल्या माता से भी हमें प्रार्थना कर रही हैं अतिशीघ्रातिशीघ्र ये कार्य संपन्न हो। है कैसे कार्य है, राम भगवान का अनन्य भक्त हनुमान जी है, हनुमान जी साक्षात चिरंजीवी हैं, भविष्यत चतुरानन हैं। ऐसा हनुमान जी का जन्म स्थल पंपा क्षेत्र कर्नाटका में पड़ता है। उसी पंपा क्षेत्र किष्किंधा में इतिहास में अभी तक हनुमान जी के लिए कोई भव्य मंदिर नहीं बन पाया। इसके लिए एक कारण है, कारण है कि हनुमान जी ये सोचे कि पहले मेरा प्रभु का मंदिर बने, बाद में हमारा मंदिर के लिए सोचेंगे। हम हमारा गुरु जी से निवेदन कर रहे हैं कि आपके लिए वहां सारी इतना व्यवस्था नहीं कर पाए तो थोड़ा व्यवस्था तो करने के लिए हनुमान जी से हम निवेदन कर रहे हैं कि हनुमान जन्मभूमि किष्किंधा में अंजनाद्री पहाड़ के नीचे हनुमान जी के लिए एक भव्य मंदिर बनने के लिए शिला पूजन के लिए भगवान शंकराचार्य जी से यही से हमें आमंत्रित करके बारंबार निवेदन कर रहे हैं। आप जल्दी से जल्दी हमको अनुग्रह कर लीजिए, वहां सारी आतंक निवारण होकर इतना सारी प्रजा भक्तों लोगों को मिलकर भारत देश इतिहास में एक मंदिर का शिलान्यास कैसे होना चाहिए, ये हनुमान जी की जन्म स्थल में हनुमान जी की मंदिर जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास आपके हाथों से संपन्न होकर सारी हिंदू राष्ट्र का एकता का एक प्रतीक कार्यक्रम अनुग्रह करने के लिए गुरु महाराज जी से प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि गुरु महाराज जी का हाथ के महत्व ऐसे ही है, अभी अभी पूरी जगन्नाथ में भी जगन्नाथ साक्षात भगवान रथ में विराजमान होने वाले हैं। और भगवान का इच्छा है कि जब तक शंकराचार्य की जो परंपरा की आचार्य लोग उस रथ का उद्घाटन वहां जाकर उसको रथ को जो खींचने की जो प्रक्रिया होता है, जो वो प्रक्रिया नहीं करेंगे तब तक जगन्नाथ भी आगे नहीं जाएंगे। ये ऐसे कर कमलों उनसे राम जन्मभूमि का कार्य सुगम हो गया, अभी हनुमत जन्मभूमि में ही यह कार्य संपन्न होने के लिए हम बारंबार प्रार्थना करके ये रायपुर में जितना भक्त लोगों हैं
सारे भक्त लोगों के लिए हनुमत जन्मभूमि के लिए हमें स्वागत करके हमारा ये दो पुष्पांजलि को जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की श्री चरणों में निवेदन करते हुए हमारा वाणी को विराम कर रहे हैं। ओम। परंपरा से कन्नड़ भाषा का अभ्यास होने पर भी बहुत सुंदर हिंदी भाषा में आपने अपने वक्तव्य को श्री चरणों में निवेदित किया। इस वक्तव्य के क्रम में मैं निवेदन करूंगा श्री मातृप्रसाद मिश्र जी से। आप आदित्य वाहिनी के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री हैं और हमारे पूरे भारत भर में संगठन के जो बहुत ओजस्वी कार्यकर्ता हैं उन ओजस्वी कार्यकर्ताओं में आपकी गणना है। बहुत ही मैदानी, बहुत ही ओजस्वी और जगतगुरु जी के पूज्य स्वामी जी के अत्यंत कृपा पात्र हैं हमारे प्रिय श्री मातृप्रसाद मिश्र जी। निर्धारित समय सीमा में, लगभग 4 मिनट की समय सीमा में, आप अपने भावों को हम सबों के बीच में अभिव्यक्त करें। अनंत संसार समुद्र तारा नौकायिताभ्याम गुरु भक्ति दाभ्याम वैराग्य सम्रायद पूजनाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। बोलिए जगन्नाथ भगवान की, बोलिए जगन्नाथ भगवान की, जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की। अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के अमृतमय चरणों में सेवकों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। प्रातः स्मरणीय भोगवर्धन गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित साक्षात शिवस्वरूप श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान महाभाग के श्री चरणों में अनंत कोटि प्रणाम निवेदित करते हुए पूज्यपाद स्वामी जी महाराज, अर्चनीय वंदनीय महाराज श्री के निजी सचिव स्वामी श्री निर्विकल्पानंद सरस्वती जी महाभाग के श्री चरणों को वंदन करता हूं। मंचस्थ पूज्य स्वामी गोविंदानंद सरस्वती जी महाभाग के चरण वंदन करता हूं। मंचस्थ संत चरण आदित्य वाहिनी के अंतर्राष्ट्रीय संयोजक आज की भव्य आयोजन में ऐसे अमृत महा महोत्सव में मंच के संचालक ब्रह्मचारी जी ब्रह्मचारी श्री आदरणीय ऋषिकेश जी को प्रणाम निवेदित करता हूं। पीठ परिषद अंतर्गत आदित्य वाहिनी आनंद वाहिनी देश भर से आए हुए सभी पदाधिकारीगण, छत्तीसगढ़ प्रांत के सभी पदाधिकारीगण, सबको गोवर्धन मठ पूरी पीठ की ओर से स्वागत अभिनंदन। जय श्री जगन्नाथ। हम सबके सौभाग्य की बात है, समय की सीमा में मैं मेरा वाणी को विराम करूंगा महाराज श्री के
अमृतमय दिव्य उपस्थिति में आज हम महामहोत्सव पालन करने जा रहे हैं और मैं ये आप सबके सामने बोलना और रखना उचित समझता हूं, क्योंकि आस्था चैनल के माध्यम से कई सालों से पूरे देश और विदेश में जितने सनातनी हिंदू रहते हुए हैं सब आज की ऐसे आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी तिथि को सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कब महाराज श्री का ऐसे प्राकट्य महामहोत्सव छत्तीसगढ़ प्रांत में मना जाएगा। ऐसे भव्य आयोजन में जिस महानुभव जैसे हमारे आचार्य परम आदरणीय शास्त्री जी, बड़े बहन सीमा दीदी जी, टीकाराम साहू जी, संदीप पांडे जी सबकी सहयोग सराहनीय है और सब महाराज श्री के कृपा पात्र है। सज्जनों, भाई और बहनों और अगणित माताओं को मैं नमन करता हूं। हम ऐसे महापुरुषों के श्री चरणों में है जिसके बारे में जितने भी बोले कम ही कम होगा। महाराज श्री, आप श्री हम सबको ऐसे मार्गदर्शन किए कि देवर्षि नारद जी के मार्ग को अपना के आप श्री ने ना गोली ना गाली, ना गोली का प्रयोग किया ना गाली का प्रयोग किया, सैद्धांतिक सामंजस्य और सद्भावपूर्ण संवाद के माध्यम से पूरे विश्व का सारी तंत्र का हृदय को जितने वाले कोई संत आज मंच पर विराजित है तो वो पूरी पीठ के पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान महाराज श्री है। महाराज श्री, आप श्री ने बताया कि भक्त प्रहलाद जी आप श्री के लिए आदर्श है। भक्त प्रहलाद जी का सिद्धांत और संबंध दो शब्दों को लेके आप इस बेस में 65 साल से और इस व्यास गद्दी के प्रतिनिधि के रूप में 31 साल से पूरे विश्व को जोड़ रहे हैं। ना कोई भी तंत्र, कोई भी ख्याति प्राप्त राजनैतिक दल भारत में हो या विदेश में हो, कोई आपकी विपक्ष में नहीं है, क्योंकि आप सिद्धांत और संबंध को लेके आपका मार्ग को प्रशस्त किए हैं। महाराज श्री, आप श्री ने बताया भक्त प्रवर श्री गरुड़ जी वो भी आप श्री के मार्गदर्शक है। समय समय पर भक्त प्रवर श्री गरुड़ जी को ध्यान की तपह के बल पर आप श्री ने मार्गदर्शन लेते रहते हैं और आप श्री ने बचपन में 3 साल में भगवान कृष्णचंद्र का साक्षात दर्शन किया और संत बेस में भगवान श्री गरुड़ ध्वज का भी आप श्री ने साक्षात दर्शन किया। महाराज श्री, आप श्री ने जितने सारे विलुप्त प्राय ज्ञान विज्ञान को हजारों लाखों वर्ष पूर्व ज्ञान विज्ञान को आप जैसे सूत्रात्मक शैली में ऐसे समाज को, राष्ट्र को, विश्व को दे रहे हैं, इसके मार्गदर्शक आप श्री के और कौन नहीं है, स्वयं साक्षात भगवान श्री सूर्य नारायण जी है। महाराज श्री, आप बता रहे हैं अभी भी इस उम्र में हम 21वां प्राकट महामहोत्सव पाल रहे हैं, इस उम्र में भी 1 लाख पेजेस 1 लाख पृष्ठे श्रीमान सूर्य नारायण भगवान की आशीर्वाद की ओर से आप श्री के मस्तिष्क में है, जो इस शरीर में पूरे चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड को देने के लिए तत्पर है और दे भी रहे हैं। महाराज श्री, मैं और 2-4 वाक्यों में मेरा वाणी को विराम करूंगा। आस्था के माध्यम से पूरे विश्व देख रहे हैं, महाराज श्री, राम मंदिर की समस्या हो, राम जन्मभूमि की समस्या हो या राम सेतु की समस्या, भगवान ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ जी के मंदिर की समस्या हो या श्री जगन्नाथ मंदिर के दर्शन और स्पर्श की समस्या, सारी समस्या का समाधान
महाराज श्री आप श्री के श्री चरणों में है। आज राम सेतु सुरक्षित है, राम मंदिर बनने जा रहे हैं, आज बैद्यनाथ धाम सुरक्षित है, जगन्नाथ धाम पूरी सुरक्षित है, आप श्री के कारण ही है। महाराज श्री पूरे भारत में, बृहद भारत की परिकल्पना में आप श्री ने साल में एक बार नेपाल की यात्रा करते हैं, कम से कम आप श्री ने ही जगन्नाथपुरी भगवान के सामने नेपाल हिंदू राष्ट्र रहेगा ये उद्गार करके पैदल यात्रा शुरू किए थे जगन्नाथ मंदिर के सामने। महाराज श्री आज ऐसे 5 शाखा आश्रम है, आप श्री ने आशीर्वाद पूर्वक स्वामी जी महाराज श्री के अमृतमय मार्गदर्शन में जैसे बंगाल वाले को मौका दिए है गंगा सागर मेला में, आप श्री का दिव्य उपस्थिति कम से कम शिविर में गंगा माँ की गोद में सागर के संगम स्थल में 5 दिन की शिविर लगता है, ऐसे महाराज श्री तीर्थराज प्रयाग में हमारा जो शिव गंगा आश्रम है और साल में कम से कम 2 बार आप यात्रा करते हैं और वही गंगा माँ की गोद में माघ मेला में शिविर में पूरे उत्तर भारत के भक्त सज्जनों को आप आशीर्वचन और दर्शन देते रहते हैं। इसी क्रम से महाराज श्री साल में 2 बार कम से कम हमारे नित्य वैकुंठ जिसको माना जाता है वृंदावन धाम, शरद पूर्णिमा के समय में होली के समय में आप वही भगवान श्री बांके बिहारी जी के गोद में 2-2 बार 10-10 दिन आप वहां दर्शन और आशीर्वचन दे रहे हैं। ऐसे महाराज श्री काशी विश्वनाथ के मंदिर में हमारा जो दक्षिणामूर्ति आश्रम है वो भी साल में 2 बार, ऐसे पंजाब प्रांत में हमारा जो बिमलांबा शक्ति संस्थानम है साल में 2 बार आप श्री यात्रा करते हैं और जगन्नाथ पुरी को भी आप महाराज श्री ऐसे मौका देते हैं गुरु पूर्णिमा से लेके जगदीश रथ यात्रा को लेके तीर्थराज महोदधि भगवान के आरती महा महोत्सव का वार्षिक महोत्सव दीपावली गोपाष्टमी ऐसे ऐसे भव्य तिथि में आप उपस्थित रहते हैं और गोवर्धन मठ पूरी पीठ में चतुर्मास आप श्री के नेतृत्व में समापन होते हैं। महाराज श्री मैं पीठ परिषद आदित्य वाहिनी आनंद वाहिनी की संगठन को आगे बढ़ाने के लिए इस उम्र में भी आप श्री का आशीर्वाद चाहता हूं। आज पूरे विश्व को ये संकेत गया 11,000 से ज्यादा देवियों ने कलश यात्रा में शुभ कलश लेके हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेके आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये पूरे विश्व में चर्चा होगा और महाराज श्री आप श्री के चरणों में मैं समय की सीमा में वाणी को विराम देना उचित समझता हूँ और सबको नम्रता के सहित निवेदन करता हूँ आप महाराज श्री के दिया हुआ जय घोष को जीवन का प्रण बनाओ, जीवन का व्रत बनाओ। जैसे महाराज श्री बोलते हैं दिन में 5 बार कम से कम 15-15 मिनट ईश्वर के प्रति अपना निष्ठा और उपासना जारी रखना चाहिए। मैं ये जोड़ना चाहता हूँ संगठन की दृष्टि से जय घोष भी प्रण होना चाहिए, रोज में 5 बार हर पीठ परिषद आदित्य वाहिनी आनंद वाहिनी सनातन संत समिति राष्ट्रोत्कर्ष अभियान हिंदू राष्ट्र संघ के कार्यकर्ताओं ने 5 बार भी जय घोष निनादित करे। सबको जय जगन्नाथ। मैं 2 बार आप श्री के सामने जय घोष करूंगा, सब हाथ उठा के जय जयकार करेंगे। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गोहत्या, भारत सत्य सनातन धर्म की, श्री जगन्नाथ भगवान की, श्री बलभद्र भगवान की, भगवती सुभद्रा देवी की, चक्रराज सुदर्शन जी भगवान की, श्री गरुड़ जी महाराज की, भोगवर्धन पीठ की, गोवर्धन नाथ की, अर्धनारीश्वर भगवान की, चंद्रमौलीश्वर भगवान की, तीर्थराज महोदधि भगवान की, श्री नीलाचल धाम की, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र की, धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी भगवान की,
जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद इस ओजस्विता पूर्ण व्याख्यान के लिए। बहुत कुछ कहने की सामग्री है। शंकराचार्य पद में प्रतिष्ठित होने से पूर्व से लेकर अब तक अद्यावधि श्रीमद् जगद्गुरु के माध्यम से उनको निमित्त बनाकर भगवान ने सनातन धर्म का जो कार्य किया है उसकी सूची बहुत लंबी है। श्री राम जन्मभूमि का विषय हो, श्री गंगा रक्षा का विषय हो, गोरक्षा आंदोलन हो, सन 66 से लेकर अब तक के सभी गोरक्षा आंदोलन हो, राम सेतु का विषय हो, और एक सबसे महत्वपूर्ण विषय, सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठे रहें, मैं सूत्रात्मक शैली में बोल रहा हूँ। मैं इन विषयों को पूर्व में इसलिए नहीं रख रहा था ताकि संचालन के क्रम में वक्तव्य सम्मिलित न हो जाए, लेकिन इन बिंदुओं को यहाँ प्रस्तुत करना आवश्यक है, तो मैं सूत्रात्मक शैली में कह रहा हूँ। अभी तक भारत के जो जुडिशियल सेक्टर है, जो न्यायिक क्षेत्र है भारत का, उसमें जितनी ड्राफ्टिंग छोटे से सिविल कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक है, उसमें एक ही ड्राफ्टिंग में यह बात है, जब श्री जगन्नाथ मंदिर का केस, उसका निर्णय अभी आ गया और वो विशुद्ध धार्मिक क्षेत्र में एकदम धर्म निरपेक्ष निर्णय सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया है, वो निर्णय भारत के हित में नहीं है, भारतीयता के हित में नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, ये कहने में हमको कोई संकोच नहीं है। लेकिन उसकी डिबेट के बीच में, उसकी बहस के बीच में जो कोर्ट मित्र हैं, जिनको अंग्रेजी में अमिकस क्यूरी कहा जाता है, वो जगतगुरु के एक वाक्य को जब कोट किया, तब उस समय में जस्टिस अरुण मिश्र ने जगतगुरु के इस वाक्य को डिबेट के बीच में कहा था, और वो डिबेट में लिखा हुआ हिस्सा बना है। पूरे भारत में जब इंग्लैंड में सुप्रीम कोर्ट था तब से लेकर आज तक पूरे जुडिशियल सेक्टर की एकमात्र वह ड्राफ्टिंग है जिसमें जगतगुरु के वक्तव्य को एक जस्टिस ने कोट किया है, जो हमारे मठ मंदिर राज्य सरकारों के अधीन हैं, उसमें 30 एक्ट लगे हुए हैं, उसमें एकमात्र ड्राफ्टिंग है उसके विरोध में, जो कि कोर्ट की प्रक्रिया के अंतर्गत है। वहां पुरी के शंकराचार्य, वर्तमान जगत गुरु जी के नाम से वो ड्राफ्टिंग लिखी गई है कि पुरी के शंकराचार्य जी ने यह बात अपनी ड्राफ्टिंग में हमको कही है, और कोर्ट में जो जस्टिस अरुण मिश्र ने उसको दोहराया, वो जस्टिस के नाम पे, जस्टिस का कहने का मतलब होता है कोर्ट तो स्वयं बोलेगा नहीं, जस्टिस के रूप में ही बोलेगा, तो वहां कोर्ट की आवाज के रूप में शंकराचार्य की आवाज वहां पर कोर्ट देकर लिखी गई है कि सेकुलर शासन तंत्र को धार्मिक क्षेत्रों में, धार्मिक मंदिरों में नियंत्रण करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। और अगर तराजू में मेढक तोलने वाली कहावत चरितार्थ न होवे, तो इस वचन के आधार पर ही हम भारत के 3.5 लाख से 4 लाख हिंदू मंदिरों को छद्म शासन तंत्र के चपेट से मुक्त करा सकते हैं। वो भारत की कुल जीडीपी का 7% हिस्सा है, तो बहुत विस्तार मैं नहीं करना चाहता हूं। मैं हिंदू राष्ट्र के संदर्भ में एक बिंदु केवल यहां प्रस्तुत करना चाहता हूं। जगत गुरु जी ने हम लोगों को कई बार यह बात स्पष्टता से बताया है कि हिंदू राष्ट्र और धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज, यह बात कहने में हमको कोई संकोच नहीं है और किसी स्केल के द्वारा इसको मापने की आवश्यकता भी नहीं है। धर्म सम्राट का जीवन, उस प्रकार की विद्वत्ता, उस प्रकार का जीवन और उस प्रकार के अभियान अगर किसी महापुरुष के जीवन में आज देखे जा सकते हैं, तो उसकी साक्षात प्रतिमूर्ति परम पूज्य गुरुदेव पूरी पीठाधीश्वर महाभाग हैं। इसमें बहुत शास्त्रार्थ की आवश्यकता नहीं। धर्म सम्राट जी ने यह बात कही थी, और 4 साल पहले राजनीति की एक गोष्ठी में, लाइव कार्यक्रम में, मैंने इस बात को 4 साल पहले कहा था। आधुनिक राजनीति और रामराज्य नामक पुस्तक में, हिंदू धर्म और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नामक पुस्तक में, 2 जगह इन पुस्तकों में धर्म सम्राट ने लिखा है कि केवल हिंदू शासक होने से
धर्म राज्य की प्रतिष्ठा नहीं होगी। और उन्होंने कहा है कि रावण और कंस भी हिंदू थे, तो इससे हिंदू राष्ट्र का खंडन नहीं होता। अपना बौद्धिक स्तर इतना बढ़ाकर रखे समाज, आज प्रधानमंत्री हिंदू हैं, राष्ट्रपति हिंदू हैं, प्रायः मुख्यमंत्री हिंदू हैं, प्रायः ब्यूरोक्रेट्स हिंदू हैं, उसके बाद भी जगत गुरु जी हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर रहे हैं, भारत को होना चाहिए कह रहे हैं। इससे तो स्पष्ट है कि अभी के शासन से काम नहीं चलेगा, भारत को राजनीतिक धरातल पर भी और संवैधानिक धरातल पर भी हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता है। तो ये उस वाक्य से विरोध नहीं है, ये उल्टा अर्थ करना ठीक नहीं है। और धर्म राज्य राम राज्य, जगत गुरु जी ने बड़ी सुंदर बात कही है और मैं उस बात को बार बार कहा हूं, फिर से कह रहा हूं संक्षेप में। रावण का शासन, कंस का शासन हिंदू शासन था, इसमें कोई संदेह नहीं, हम मना नहीं कर रहे हैं कि वो मुसलमान तो नहीं थे। लेकिन अगर किसी भी भले व्यक्ति से, विद्वान व्यक्ति से, सूझबूझ संपन्न विचारक व्यक्ति से प्रश्न किया जावे कि आदर्श हिंदू शासक का और आदर्श हिंदू शासन का नाम लो, तो कितने लोग रावण कंस का नाम लेंगे, जरा हाथ खड़ा करना। और नाम लेने वालों को आप क्या कहेंगे ये भी समझ सकते हैं। आदर्श हिंदू शासक में युधिष्ठिर का नाम होगा, महाराज सुधन्वा का नाम होगा, भगवान पृथु का नाम होगा, होगा कि नहीं? छत्रपति महाराज शिवाजी का नाम होगा कि नहीं? भगवान रामभद्र का नाम होगा कि नहीं? ये आदर्श शासक हैं। तो रावण का शासन हिंदू शासन था, ये हिंदू राष्ट्र का निराकरण नहीं कर रहा है। हिंदू राष्ट्र तो होना ही चाहिए, शासक सनातनी होना चाहिए, ये इस बात के पोषण में वक्तव्य है। अगर रावण का शासन हिंदू शासन था तो राम जी का शासन भी हिंदू शासन था, युधिष्ठिर का शासन भी हिंदू शासन था, छत्रपति महाराज शिवाजी का शासन हिंदू शासन नहीं था क्या? और आदर्श शासक के रूप में इन्हीं का नाम लिया जाएगा और आदर्श की सूची बनाई जाती है। आतंकवादी तो कभी भी कहीं भी हो सकते हैं, उसका शोधन होता है, उसका मार्जन होता है। इसलिए मैं ये बात आजकल मुक्त कंठ कह रहा हूं, जैसे आकाश और अंबर में शब्द का भेद है, शब्दार्थ का भेद नहीं है, जैसे पट में, वस्त्र में शब्द का भेद है, अर्थ का भेद नहीं है, जैसे धरणी में और धरा में शब्द भेद है, अर्थ भेद नहीं है, ऐसे ही जब जगत गुरु जी हिंदू राष्ट्र कहते हैं तो राम राज्य, धर्म राज्य और हिंदू राष्ट्र में शब्द का भेद है, अर्थ का भेद नहीं है। और हिंदू राष्ट्र बनेगा तभी राम राज्य होगा। राम राज्य का को सहन कर पाने की क्षमता है सीधे क्या? हाँ, पूरी वर्णाश्रम व्यवस्था जब लागू होगी तो सबसे पहले दंड के पात्र कौन लोग बन जाएंगे? इसलिए जगत गुरु जी कहते हैं सबके पूर्वज वैदिक सनातनी हिंदू थे, सबके रक्त में भारतीय मनुष्यों का पुराना डीएनए आज भी विद्यमान है, तो सब अपने मार्ग में पुनः प्रतिष्ठित हों, सबके पूर्वज वैदिक सनातनी हिंदू हैं, ऐसा कहने से सबको अवसर प्राप्त होगा और हिंदू राष्ट्र के माध्यम से ही वही धर्म राज्य है, वही राम राज्य है और उसी के माध्यम से ही धर्म राज्य की। राम राज्य का अर्थ क्या? राम राज्य तो राम जी ही स्थापित कर सकते हैं। समाधि में जो अवस्था प्राप्त होती है वो अवस्था जागृत में एक एक व्यक्ति को, प्रजा को प्राप्त हो, ये राम राज्य का लक्षण है। तो ऐसा राम राज्य तो राम जी ही राजा होंगे तभी होगा भैया। राम राज्य जब धर्म सम्राट जी कहते हैं वहां राम राज्य का अर्थ धर्म राज्य ही है, लक्षणा से अर्थ करना पड़ेगा। तो धर्म राज्य ही राम राज्य है। हम सभी आगे वक्तव्य को श्रवण करेंगे। मैं निवेदन करूंगा श्री पंकज शर्मा जी से, आप सहकारी बैंक के अध्यक्ष हैं। श्री पंकज शर्मा जी आप मंच के पीछे से आएंगे, आगे से श्रीमद् जगत गुरु भगवान शंकराचार्य महाभाग के श्री चरणों में अपना भाव। पंकज जी आप सत्यनारायण शर्मा जी के चिरंजीव हैं और सहकारी बैंक के आप अध्यक्ष हैं। अपने भावों को अत्यंत सूत्रात्मक शैली में, सूक्ष्म शैली में अपने भावों को श्रीमद् जगत गुरु के चरणों में निवेदित करेंगे और इसके बाद एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस वक्तव्य के बाद होना है, तो आप सभी सावधान होकर बैठे रहें।
पूरे जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की। सबसे पहले भगवान श्री के श्री चरणों को प्रणाम करता हूं। मंच पर बैठे सभी ऋषि मुनियों को प्रणाम करता हूं, संतजनों को प्रणाम करता हूं। अभी हमारे बीच में रमन सिंह जी भी पधारे हैं, उनको प्रणाम करता हूं। आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी, आदरणीय अनीता शर्मा जी को प्रणाम करता हूं। यहां बैठे सभी वरिष्ठ जनों को प्रणाम करके, माता जितनी हमारी माताएं आई हैं उनको नमन करता हूं। आप सबके आशीर्वाद से ही हमारे परिवारों में शुभ कार्य होते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज हमारे जीवन में सबसे सुनहरा पल आया है। साक्षात ईश्वर के दर्शन हुए और आज हम सब मिलकर यहां प्रकट दिवस मना रहे हैं। ये हम सबके जीवन में एक ऐसा पल है जिसकी कल्पना करने से ही हमारे हृदय रोमांचित हो जाते हैं। ये हम सबका सौभाग्य है और छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि आज महाराज श्री का प्रकट दिवस हमारे बिरगांव रावापाटा में हो रहा है। मैं आप सब साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ईश्वर को तो हमने कभी नहीं देखा, लेकिन साक्षात ईश्वर के जब दर्शन हुए तो निश्चित रूप से हम सबका मन प्रफुल्लित हुआ। और आज ये उनका आशीर्वाद है कि इतना विशाल जम समूह यहां उपस्थित होकर महाराज श्री को प्रणाम करने का अवसर प्राप्त कर रहा है। मैं उस अवसर पर महाराज श्री को पुनः प्रणाम करता हूं। महाराज श्री का आदेश जनसेवा और मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है, इसी भावना को धारण करते हुए हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि आज के दिन हम सब मिलकर ये प्रण लें कि महाराज श्री के बताए संदेश को, मानव सेवा को, जन सेवा को ही अपन जीवन का लक्ष्य बनाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः महाराज श्री के श्री चरणों को प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। नारायण। नमः पार्वती पतये हर हर। डॉक्टर श्री रमन सिंह जी, आप जगत गुरु के कृपा पात्र हैं और बहुत श्रद्धा श्री चरणों में सदैव समर्पित करते रहे हैं। जगत गुरु जी से आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, मैं एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम यहां संपन्न होना है। गुरुदेव द्वारा रचित ग्रंथ राष्ट्रोत्कर्ष अभियान, जो 2011 में ये पुस्तक प्रकाशित थी, आउट ऑफ प्रिंट थी, इसका दूसरा प्रकाशन पुनः हुआ है। मैं निवेदन करूंगा जगत गुरु के निज सचिव स्वामी निर्विकल्पानंद सरस्वती जी महाराज से, वे और डॉक्टर श्री रमन सिंह जी, इन दोनों महानुभावों के कर कमलों से यह ग्रंथ पुनः लोकार्पित होगा, विमोचित होगा, जो जगत गुरु द्वारा रचित है, इसका विमोचन होगा हर हर महादेव के उद्घोष के साथ। आप सभी अपनी प्रसन्नता अभिव्यक्त करेंगे। इसके विमोचन में स्वामी श्री निर्विकल्पानंद सरस्वती जी महाराज, डॉक्टर श्री रमन सिंह जी और श्रीमती भावना बोहरा इस ग्रंथ का विमोचन लोकार्पण कर रहे हैं। नमः पार्वती पतये हर हर। और हमारे पीठ परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अश्विनी मलिक जी और श्री आचार्य धर्मवीर जी, वो भी रमन सिंह जी के साथ वहां पर मंच पर हैं। बहुत महत्वपूर्ण उनकी भूमिका है राष्ट्र की सेवा में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमः पार्वती पतये हर हर महा। अब मैं एक महत्वपूर्ण घोषणा यहां से करने जा रहा हूं। आप सभी सावधान होकर अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। जगत गुरु जी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि सबके पूर्वज वैदिक सनातनी आर्य हिंदू थे,
इसलिए अपने पूर्वजों की पहचान करो। और जगतगुरु का एक जो वक्तव्य है कि क्षणिक लोभ के कारण और क्षणिक भावुकता के कारण जिन्होंने लाखों पीढ़ियों से अनुपालित अपना वैदिक सनातन धर्म क्षणिक लोभ के कारण और क्षणिक भावुकता के कारण छोड़ दिया, और जो लोग उन्हें धर्मच्युत कर रहे हैं, जो लोग आज हिंदुओं को धर्मच्युत कर रहे हैं, उनके लिए जगतगुरु की हमें कहना चाहिए एक चेतावनी है। जगतगुरु कहते हैं वे लोग ध्यान से हमारी बात सुने, जिन लोगों ने क्षणिक भावुकता और लोभ के कारण लाखों वर्षों से अनुपालित अपना सनातन धर्म छोड़ दिया, वे अवसर आने पर 4 दिनों के लिए जिस विधर्म में चले गए हैं, जब अवसर आएगा तो लाखों वर्षों का जो अनुपालित धर्म छोड़ने को तैयार हो गए थोड़े समय के लिए, अवसर आने पर ये क्षणिक विधर्म का त्याग करने में उनको क्षण का भी समय नहीं लगेगा, और सभी पुनः अपने वास्तविक एकमात्र धर्म में प्रतिष्ठित होंगे। तो जगत गुरु जी बारम्बार कह रहे हैं ईसा और मूसा सबके पूर्वज वैदिक सनातनी हिंदू हैं, तो अपने पिता की पहचान हो। और इस क्रम में ही कई बार जगत गुरु के मार्गदर्शन में जो लोग विधर्म में चले गए थे, भटक गए थे, उनको पुनः अपने धर्म में प्रतिष्ठित करने की ये जो प्रक्रिया है, ये हजारों की संख्या में जगत गुरु के मार्गदर्शन में लोग पुनः धर्म प्रतिष्ठित हुए हैं। लेकिन आज जब हिंदू राष्ट्र की चर्चा विश्व मंच पर हो रही है व्यापक रूप से, उस समय इस मंच के माध्यम से आदर्श प्रस्तुत हो, ताकि और लोगों को जो भटक गए उनको प्रेरणा मिले। मैं निवेदन करूंगा वो परिवार जो कि छद्म ईसाई मिशनरियों के द्वारा बहकाए गए थे और पुनः सनातन धर्म में जगत गुरु का प्रवचन सुन करके परिवार सहित प्रतिष्ठित हो रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा प्रफुल्ल चैतन्य ब्रह्मचारी जी से कि जगत गुरु के पास में चंदन और अबीर रखा हुआ है, जगत गुरु से स्पर्श करा करके इन सभी लोगों का मुंडन हुआ है और प्रायश्चित पूर्वक ये वैदिक सनातन धर्म में प्रतिष्ठित होंगे। चंदन इनके माथे पर तिलक लगाया जाएगा और सामने की तरफ मुख कर लें, ताकि आस्था चैनल के माध्यम से जो लोग लाभान्वित हो रहे हैं उनको भी इस दृश्य का दर्शन हो। दोनों हाथ उठाकर सत्य सनातन धर्म की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, गोहत्या, भारत, हर हिंदू, हर हिंदू, हर हिंदू, हर हिंदू, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, नमः पार्वती पतये हर हर। एक सत्प्रेरणा पूरे विश्व को यहां से प्राप्त हो रही है अपने पूर्वजों के मार्ग में पुनः प्रतिष्ठित होने की। श्री रमन सिंह जी गुरुदेव के कृपा पात्र हैं, वो उन सब का जो जगत गुरु की आशीर्वाद से यहाँ पुनः अपने धर्म में प्रतिष्ठा हुई है, उन सब का स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। मैं बता दूं इसमें यादव परिवार, नेताम परिवार, चंद्राकर परिवार, ऐसे कई परिवार हैं जो परिवार के परिवार यहाँ आए हैं। सभी को मंच पर लाना संभव नहीं था, इसलिए बाकी लोग नीचे ही हैं। पूरे उत्साह के साथ एक बार दोनों हाथ उठाकर बोले, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, नमः पार्वती पतये हर हर। मेरा निवेदन, सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। एक महानुभाव जो पुनः धर्म में प्रतिष्ठित हुए हैं जगत गुरु की कृपा से, वो संक्षेप में अपने भावों को आप सबके बीच में रखेंगे, और उनकी भावना है कि इनसे प्रेरणा लेकर और भी लोग जो ऐसे बहका दिए गए हैं वो दम्भी पाखंडियों के चपेट से स्वयं को मुक्त करें और पुनः अपने धर्म में प्रतिष्ठित हों। वे अपने भावों को यहां से व्यक्त करेंगे।
नमस्कार भाइयों बहनों, मेरा नाम पुनीत नेताम है। मैं हाथ दूसरा कास्ट में चल दे रहा हूँ, भटक गए रहे हूँ महाराज ऐसे एक नाम से। मैं अपन जो हूँ पहले रहे हूँ, जो समाज में वही समाज में फिर दोबारा आया हूँ। जय श्री राम। जगत गुरु शंकराचार्य जी की जय। हम भारत भव्य बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। वक्तव्य के इस क्रम में हमारी भावना यह है कि आस्था चैनल के माध्यम से जो विश्व भर के भगवद भक्त इस कार्यक्रम से लाभान्वित हो रहे हैं, वे सभी सनातन धर्म का वास्तविक स्वरूप पहचाने। शंकराचार्य एक देशीय आचार्य नहीं है, अलग अलग संप्रदाय की मर्यादा हमारे सनातन धर्म में है। वो एक एक देवता को लेकर, एक एक मंत्र को लेकर और एक एक उपासना पद्धति को लेकर विविध संप्रदाय हैं। उन सभी संप्रदायों के जो वैदिक आचार्य हैं, वे सभी आचार्य के रूप में मान्य हैं, वैदिक आचार्य के रूप में मान्य हैं, लेकिन वे परंपराएं एक देशीय परंपराएं हैं। भगवान के एक नाम रूप को, एक उपासना पद्धति को लेकर परंपराएं हैं, लेकिन शंकराचार्य समग्र वैदिक सनातन धर्म की सभी परंपराओं को जानने मानने स्वीकार करने वाले और अपने भाष्यों के माध्यम से ख्यापित करने वाले सार्वभौम आचार्य हैं। एक देशी आचार्य नहीं है। कर्म कांड का, उपासना कांड का, ज्ञान कांड का जहां वेदों ने जैसा समर्थन किया, उसके पूर्ण उद्भाषण में शंकराचार्य की लेखनी प्रयुक्त है। वे सार्वभौम आचार्य हैं सनातन धर्म के। तो हम सभी सनातन धर्मी अपने आचार्य के मार्गदर्शन में आगे बढ़ें। इस क्रम में मैं निवेदन करूंगा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री रमन सिंह जी से कि वे अपने भावों को श्री चरणों में निवेदित करेंगे और उसके बाद हम सभी जगतगुरु का मंगलमय पुष्पाभिनंदन करेंगे। उसके बाद स्वामी जी फिर गुरुदेव की वाणी से लाभान्वित होंगे। वर्तमान डॉक्टर श्री रमन सिंह जी। आज का यह गौरवशाली क्षण हम सबके लिए, पूरे छत्तीसगढ़ और देशवासियों के लिए यह उत्साह और खुशी का अवसर, जब राष्ट्रोत्कर्ष दिवस के अवसर पे जब महाराज जी का 81वां प्रगट महोत्सव छत्तीसगढ़ की इस धरती पे मनाया जा रहा है, मैं सबसे पहले महाराज श्री के चरणों में अपने शीश झुकाते हुए उन्हें प्रणाम करता हूँ। पूरे छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से, अब सब की ओर से महाराज जी के चरणों में शीश झुकाता हूँ। और आज हमारे लिए गौरवशाली क्षण, श्री अनंत श्री विभूषित स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के इस प्रागट्य उत्सव में जब इसकी शुरुआत ही हो रही है, महाराज जी का प्रभाव कितना हो सकता है पूरे देश और दुनिया में। और जिस संकट से छत्तीसगढ़ जूझ रहा है, धर्मांतरण के कुचक्र से, मात्र महाराज जी चारों पीठ और शंकराचार्य जी के आशीर्वाद से, महाराज जी के आशीर्वाद से, यदि हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदुस्तान की ये प्रकृति बनी हुई है, तो ये शंकराचार्य जी महाराज की कृपा से आज हिंदुस्तान मजबूती की ओर आगे बढ़ रहा है।
और ऐसे ही एक एक करके जितने लोग धर्म से बाहर चले गए हैं, महाराज जी का आशीर्वाद रहा तो निश्चित रूप से ऐसे सभी लोगों को वापस हिंदू धर्म में लाने की प्रक्रिया और आगे जारी रहेगी। ये बहुत बड़ा अभियान है, ये महाअभियान है। इस अवसर में उपस्थित हमारे सभी प्रमुख गण, हमारे राजनांदगांव के सांसद सम्मानी संतोष पांडे जी, माननीय झम्मन शास्त्री जी, हमारे सीनियर विधायक सत्यनारायण शर्मा जी, विधायक श्रीमती अनीता शर्मा जी, समाज सेवी जिला पंचायत के सदस्य श्रीमती भावना बोहरा जी, बसंत अग्रवाल जी, पुष्पेंद्र उपाध्याय जी, पंकज शर्मा जी, हेमेंद्र साहू जी, रमेश बंसल जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष मोतीलाल साहू जी, श्रीमती सीमा साहू जी, सभी यहाँ पे उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में, और जितनी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं उतनी ही बड़ी संख्या में सड़क के बाहर लोगों का पूरा भीड़, पूरा की पूरी उपस्थिति दिख रही है। मैं तो अपने आप को धन्य समझता हूँ, ऐसे पावन अवसर पे, ऐसे पवित्र अवसर पे, जब एक बड़ा आह्वान राष्ट्र उत्कर्ष की बात, इस देश को धर्म में और धार्मिक जागरण पैदा करने की बात महाराज श्री के मुख से हम सब सुनेंगे, पूरे छत्तीसगढ़ को, पूरे देश को इसका लाभ मिलेगा। मुझे महाराज जी के सामने खड़े होकर बोलने की हिम्मत नहीं है, मगर मुझे आदेश हुआ है, इसलिए मैं आया हूं कि उनके चरणों में फिर से एक बार शीश झुकाते हुए प्रणाम करते हुए उन्होंने यहां पे मुझे मंच पे अवसर दिया, इसके लिए हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूं। एक बार जोर से नारा लगाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे। अरे ये आवाज रायपुर से बाहर तो जाना चाहिए, दूर दूर तक ये आवाज जाना चाहिए। हम भारत भव्य बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे। धन्यवाद। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। वक्तव्य की श्रृंखला में बहुत से नाम मेरे पास और यहाँ उपस्थित थे, किंतु समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं उन सबों का स्मरण ही यहाँ से केवल कर पाऊँगा। संतोष पांडे जी, श्री महंत राम सुंदर दास जी महाराज, ऐसे श्री आचार्य धर्मवीर जी, अश्विनी मलिक जी, जो कि दिल्ली से ये सब लोग उपस्थित हैं, मैं इन सबों का अभिनंदन करता हूं। और अब बीच में इस उत्सव को व्याज कर मैं ज़्यादा विक्षेप उत्पन्न न करते हुए निवेदन करूंगा, जगत गुरु की निज सचिव श्री स्वामी निर्विकल्पानंद सरस्वती जी महाराज और हमारे पूरे टीम में जो लोग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत कर रहे हैं, जो संत महापुरुष मंच पर विराजमान हैं, जो जनप्रतिनिधि मंच पर विराजमान हैं, 81वां प्राकट्य महोत्सव है, तो 81वें प्राकट्य महोत्सव में 81 किलो पुष्पों से विनिर्मित यह दिव्य भव्य जो माला है वो मैं निवेदन करूंगा। विजय शर्मा जी, उत्तम शर्मा जी, संजय जी, रंजय सिंह जी और इनके साथ जितने प्रमुख महानुभाव हैं वो स्वामी जी के साथ श्री झम्मन शास्त्री जी, आप सभी अपना हाथ इसमें आगे बढ़ाकर जगत गुरु जी का मंगल अभिनंदन करेंगे और हर हर महादेव के उद्घोष के साथ हम सब इस दृश्य के साक्षी बनेंगे। टीकाराम साहू जी भी इस अभिनंदन में सम्मिलित होंगे। नमः पार, आगे से जगह छोड़ देंगे। चंद्रचूड़ त्रिपाठी जी भी इसमें सम्मिलित होंगे। संदीप पांडे जी आगे से स्थान छोड़ दें ताकि जो प्रसारण के माध्यम से भक्त देख रहे हैं वे भी लाभान्वित हो सके। नमः पार्वती पतये हर हर। हम भारत भव्य बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे।
गोवर्धन मठपुरी पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर। अवांतर वक्तव्यों के इस क्रम को मैं यहां विराम देते हुए श्रीमद् जगद्गुरु के निज सचिव स्वामी श्री निर्विकल्पानंद सरस्वती जी महाराज से हां उसे पूर्व जगद्गुरु के कृपा पात्र छत्तीसगढ़ शासन में वर्तमान में मंत्री हैं राजस्व मंत्री श्री जय सिंह अग्रवाल जी, मैं निवेदन करूंगा आप शीघ्रता पूर्वक मंच पर आएंगे, जगद्गुरु से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और सूत्रात्मक शैली में संक्षिप्त रूप से आप अपने भावों को जगद्गुरु के श्री चरणों में निवेदित करेंगे। हम सबों का परम सौभाग्य है, एक महापुरुष जब धरती में प्रकट होते हैं तो केवल धरती वालों का सौभाग्य नहीं होता, जब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपने अपने धर्म में प्रतिष्ठित होते हैं तो देवलोक में गए हुए हमारे जो पूर्वज हैं वे भी सुख को प्राप्त करते हैं, और धर्मनिष्ठ आचार्यों के गुरुओं के जो भक्त होते हैं वे गुरुभक्त जब अपने नित्य कर्म का पालन करते हैं गुरुओं के माध्यम से प्रेरणा प्राप्त कर तो पितृलोक में रहने वाले पितर भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो नीचे ऊपर जितने लोक हैं 14 लोकों की जो प्रजा है वो धरती में एक महापुरुष एक भगवत भक्त अगर धरती में प्रकट हो जाए तो 14 भुवन की प्रजा के लिए ये उत्सव बन जाता है। तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। आचार्य चरण का मंगलमय प्राकट्य भगवान की कृपा से सनातन धर्म को अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित करने के लिए हुआ है। मैं अब निवेदन करूंगा वक्तव्य के इस क्रम में श्री जय सिंह अग्रवाल जी से कि वे शीघ्रतापूर्वक यहाँ माइक के सम्मुख आवें और सूत्रात्मक शैली में अपने भावों को जगद्गुरु के चरणों में निवेदित करें और उसके बाद हम सभी शीघ्रतापूर्वक जगद्गुरु के मंगलमय मार्गदर्शन से लाभान्वित होंगे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर में आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं। आज के इस भव्य कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे पुरी के शंकराचार्य जी भगवान जी जो निष्ठानंद सरस्वती जी विराजमान हैं और राष्ट्रकर्ष उत्सव के इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित सभी साधु सन्यासी सभी भक्तगण सभी उपस्थित हमारी माताएं बहनें सब उपस्थित हैं हजारों की संख्या में, और हम लोग अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानते हैं कि आज के इस भव्य कार्यक्रम में हम सबको यहाँ आशीर्वाद प्राप्त हुआ और हमारे शंकराचार्य जी भगवान के दर्शन प्राप्त हुए, उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। अभी 12 तारीख को शंकराचार्य जी कोरबा मेरे सादर निमंत्रण पर गए थे, वहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी का राम दरबार का निर्माण हमने कराया था जिसकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो हुआ भव्य कार्यक्रम उसमें शंकराचार्य जी महाराज ने उस कार्यक्रम को संपन्न कराया। उसके साथ साथ एक विशाल वहाँ धर्मसभा भी हुई, हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे, उन सबको महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, हम सबको आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हम अपने आप को बहुत ही धन्य मानते हैं कि ऐसे गुरु ऐसे महाराज ऐसे शंकराचार्य जी जो भगवान के रूप हैं वो हम सबको यहाँ
आशीर्वाद देने रायपुर राजधानी में, छत्तीसगढ़ की इस राजधानी में पधारे हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि इनका आशीर्वाद सदैव हम सब पर, संपूर्ण छत्तीसगढ़ वासियों पर इसी प्रकार बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद। बोलो शंकराचार्य महाराज की जय। सियाराम। धन्यवाद। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप सभी जो भगवत भक्त श्रद्धालु यहाँ समुपस्थित हैं, अत्यंत सावधानी पूर्वक अपने स्थान पर बैठे रहें। जगत गुरु द्वारा हिंदू राष्ट्र स्थापना के लिए जो टाइटल सॉन्ग आजकल की भाषा में उसको कहेंगे, हिंदू राष्ट्र का एक मौलिक गीत जिसको हम कह सकते हैं प्रचार की दृष्टि से, वो जगत गुरु द्वारा विरचित हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, गंग बंग और वर्म सिंधु तक भारत बृहद बनाएंगे, स्वस्तिक चिन्हित सूर्य अंकित के सरिया ध्वज फहराएंगे। ये जो गीत है, मैं निवेदन करूंगा आप सब से जो पूरे पंडाल में बैठे हैं, सभी माताएं सभी भक्त दोनों हाथ उठा करके ताली की सेवा करते हुए पूरे उत्साह के साथ आप सभी इस गीत का आनंद लेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि वह गीत आरंभ किया जाए। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू सर से मानसर तक भारत भव्य बनाएंगे, भारत दिव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, गंग वंग और वर्म सिंधु तक भारत भव्य बनाएंगे, भारत दिव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, राष्ट्र बनाएंगे, स्वस्तिक चित्रित सूर्य अंकित केसरिया ध्वज लहराएंगे, हम हिंदू, हम हिंदू, हम हिंदू, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, पार्वती पतये हर हर। पूरे देश भर से कार्यकर्ता हमारे यहाँ उपस्थित हैं, वो संख्या इतनी बड़ी है कि मैं सबों का नाम चाह कर भी यहाँ से स्मरण नहीं कर सकता। केवल 800 शिष्य परिवार, केवल 800 गुरु भक्त कवर्धा जिले से ही यहाँ पधारे हैं, उन सबों का मैं अभिनंदन करता हूँ। और 12 गांव से लोग, कवर्धा जिले के 12 गांवों से लोग यहां 800 की संख्या में उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त यहां से इस रावाभाटा जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां से बड़ी संख्या में साहू समाज के लोग और सतनामी समाज, जो कि गुरु घासीदास जी की परंपरा, वो हमारे वैदिक सनातन आर्य धर्म की ही एक पवित्र परंपरा है, तो ये सब लोग भी बड़ी संख्या में यहाँ समुपस्थित हैं। हम सभी वैदिक सनातनी आर्य हिंदू जो हैं वो अपने अपने परंपरा के अनुसार अपने गुरुओं के मार्ग पर चलें, चलना ही चाहिए, लेकिन शंकराचार्य गुरुओं के गुरु हैं, आचार्यों के आचार्य हैं, इसलिए हम सभी वैदिक सनातनी आर्य हिंदू शंकराचार्य जी की छत्र छाया में, एक छत्र के नीचे हम सभी वैदिक सनातन आर्य हिंदू, ये हमारा पहला परिचय है। और हमारे सार्वभौम माता पिता पालक श्रीमद् जगत गुरु मंचस्थ हम सबों को दर्शन दे रहे हैं। मैं इन सभी का बारंबार अभिनंदन करता हूं, इन सबों को यहां तक लाने में जिनकी गुप्त प्रकट भूमिकाएं हैं उन सब का भी बारंबार अभिनंदन साधुवाद यहां से समर्पित करता हूं। अब मैं निवेदन करूंगा,
जगत गुरु के निज सचिव स्वामी श्री निर्विकल्पानंद सरस्वती जी महाराज से कि वे इस पवित्र अवसर पर अपना मार्गदर्शन हम सबों को प्रदान करेंगे, उसके बाद हम सभी जगत गुरु की मंगलमय वाणी से लाभान्वित होंगे। परम पूज्य स्वामी जी, एक विशेष घोषणा मैं और करना चाहता हूं। स्वामी जी का माइक चालू कर दें। हमारे श्री सुदर्शन संस्थानम में अभी तिथि निर्धारित नहीं की गई है। श्री रंजय सिंह जी, जो कि यहाँ के भंडारे की व्यवस्था भी दक्षतापूर्वक संभाल रहे हैं, लगभग 20,000 लोगों के लिए भंडारे की व्यवस्था यहाँ हुई है। रंजय सिंह जी अपने सभी सहयोगियों के साथ ऐसा निर्धारित हुआ है कि लगभग 200 कन्याओं का विवाह यहाँ श्री सुदर्शन संस्थानम श्री शंकराचार्य संस्थानम की ओर से वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुरूप और हमारी जो शास्त्रीय परंपरा है उसका ध्यान रखते हुए आश्रम की ओर से श्री सुदर्शन संस्थानम की ओर से 2023 के जो वर्ष चल रहा है 2023-24 में 200 कन्याओं के विवाह का लक्ष्य दिव्यता भव्यता के साथ में कुछ महीने के बाद हम लोग इसी परिसर से इसको संपन्न करेंगे। ये बहुत बड़ा लक्ष्य है, आप सभी इसका अभिनंदन करेंगे। मैं निवेदन करूंगा पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में कि वे अपनी वाणी से हम सबों को अनुग्रहित करें। नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् जगत गुरु के निज सचिव स्वामी निर्विकल्पानंद सरस्वती जी महाराज, जिनके पवित्र मार्गदर्शन में सारे अभियान मूर्त रूप को प्राप्त होते हैं और इस पूरे कार्यक्रम को यह स्वरूप प्रदान करने में भी स्वामी जी की ही आधारित भूमिका है। नमः संभवाय चमयो भवाय च नमः शंकराय चमयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। हर हर महादेव। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। उपस्थित संत वृंद, विद्वत वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती माताओं, सारे विश्व में एकमात्र सनातन धर्म ही ऐसा है जहाँ यत करोसि यदस्नासि यज्ञोसि यदासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरु सुमदर्पणम्। जहाँ चलते फिरते उठते बैठते भोजन करते सोना भी सज्जनों परमात्मा के लिए ही सोना होता है, भोजन बनाना और बाल बच्चे आदि भी भगवान गोपाल पैदा हो गए हैं, भगवती पैदा हो गई हैं सज्जनों, पूरा का पूरा जीवन ही मंगलप्रद होता है। ये है सनातन धर्म की विशेषता और इस विशेषता के लिए भगवत पाद जगत गुरु शंकराचार्य जी का आशीर्वाद छत्तीसगढ़ वासियों के ऊपर विशेष है। प्रायः प्रायः जितने भी शिष्य वर्ग हैं उनको चाहिए कि कम से कम 1.25 घंटे आराधना करें। एक शंकराचार्य जी के शिष्य होने का एक मोहर तो लगे
हर व्यक्ति के ऊपर, और यहीं से प्रकल्प बहुत तेजी से उठेगा। क्यों, मैं इसलिए इस भाषा में बोल रहा हूँ, इस शैली में, कि आप सब लोग घर के हैं, आप लोगों ने इतना बड़ा आयोजन किया। गुरुदेव को आवश्यकता अपने उत्सव मनाने की नहीं है, ये तो हमारे आपके ऊपर कल्याण करने के लिए हम लोगों ने उत्सव मनाया है, और इस उत्सव का लाभ लेने के लिए पूरे देश दुनिया को मिल रहा है। सज्जनों, ये सनातन धर्म का मंच है, गुरुदेव हमारे सबके प्राण हैं, हृदय में बसते हैं। सनातन धर्म को अग्रसर करने की जिम्मेवारी निभाने वाले महापुरुष हैं, इसलिए भगवान कहते हैं तस्मात् सात, भगवान कहते हैं कि यहाँ पर कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि आप युद्ध करिए, स्मरण हमारा करिए, हमारा स्मरण करते हुए आप युद्ध करिए, मन बुद्धि से आप तत्पर हो के स्मरण करते हुए हजारों लाखों को काटिए, स्मरण करते हुए आप ऐसा करेंगे तो वो योग कहलाएगा। तो सज्जनों, ये हमारे सनातन धर्म की विशेषता है। गुरुदेव के द्वारा आज राम मंदिर बन रहा है, गुरुदेव अगर इस हस्ताक्षर कर देते तो मंदिर मस्जिद कब का बन गया होता। वैद्यनाथ मंदिर बहुत समय पहले वहाँ के पुजारी पंडे आए कि ये देवलिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में आता है। पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव ने स्वयं उसका समाधान किया। जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ रथ यात्रा बाधित हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट के जज ने अपने घर से फैसला किया नहीं, जगन्नाथ रथ यात्रा होगी। पहले मना किया, फिर होगी। तो ऐसे ही राम सेतु के लिए जब लग रहा है कि टूटने ही वाला है, तो पूज्यपाद गुरुदेव रामेश्वरम पहुंच के और भगवान से प्रार्थना की, रामेश्वर भगवान से प्रार्थना की, समुद्र भगवान से प्रार्थना की, आज रामेश्वर, आज राम सेतु सुरक्षित है। सज्जनों, ऐसे ही बहुत सारे अद्भुत राष्ट्रीय विषय हैं जिनको यहाँ कह पाना, क्योंकि समय बहुत हो गया है और समय की एक मर्यादा है। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पूज्यपाद गुरुदेव जब 40-45 की उम्र में थे, तब उनके चरणों में हूँ, तब से मुझे आज भी वैसे ही दर्शन है, वैसे ही समर्पण, वैसे ही आस्था। पूज्य भगवान गुरुदेव को इसी तरह से बना के रखे, मैं उन्हीं के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, गौहत्या। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, हर हर महा। नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च।
श्रीमत् परमहंस परिव्राजक आचार्य वर्याय पदवाक्य प्रमाण पारावार पारिणाम एवं नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योगानुष्ठान निष्ठा तपश्चर्या चरण चक्रवर्तिन अनादिविच्छिन्न गुरु परंपरा प्राप्त वैदिक धर्म प्रचार पारायण निखिल निगमाय गम सार हृदया सर्वतंत्र सुतंत्रा परापर विद्या विद्योदितांतकरण सन्वत स्थापनाचार्य वर्णाश्रम सदाचार शिक्षका श्रीमत्सुधनु साम्राज्य प्रतिष्ठापनाचार्य श्रीमन महाराजाधिराज गुरुमंडलाचार्य शाश्वत सार्वभौम विश्वजनीन सनातन धर्म संरक्षण बद्ध परिकरा समस्त संप्रदाय समन्वय साधन दत्त चित्ता विविध विरुदा भलिराजमान मानोन्नता महोदधितीरवासिन श्रीमज्जगन्नाथ विमलाम्बोपासकाय पूर्वाम्नाय श्री गोवर्धन मठ भोगवर्धन पीठाधीश्वराय श्रीमदराजराजेश्वर श्री शंकराचार्य श्री निरंजन देव तीर्थ स्वामी वर्य चरण कमल भृंगायमानाय अनंत श्री विभूषित निश्चलानंद सरस्वती स्वामी वर्याय विजयन्ते धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की धर्म सम्राट श्री स्वामी खरपात्री जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री सुभद्रा भगवती की श्री बलभद्र महाप्रभु की भारत 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 हरे हरे महा नामापिते च मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्मापिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि कोमलं कूजयन वेणुं श्यामलोयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः ऋणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीयः सदा हरिः नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम धर्म की अधर्म का
प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री बलभद्र महाप्रभु की भगवती सुभद्रा देवी की चक्र सुदर्शन महाभाग की हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो महाद्भ्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। समुपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमति मातृशक्ति, मैं तो आप महानुभावों का ही जन्मदिन मानता हूँ। आपके जन्मदिन के उत्सव पर मैं पधारा हूँ, आया हूँ, यही सही मेरा भाव है। अनादिकाल से अब तक जितने शरीरों को सब बना दिया है, उन शरीरों का एक काला वत्स्य दिन दर्शन प्राप्त हो, एक एक शरीर को लेकर जन्मदिन मनावें तो नित्य ही जन्मदिन सिद्ध हो जाए। सज्जनों, जैसा कि मैंने सुना है, माता पिता तो छोटी आयु में छोड़कर चल बसे थे। मेरे पिताजी दरभंगा नरेश जो ब्राह्मण होते थे, उनके राज पंडित थे, कर्मकांड और ज्योतिष में माहिर थे। उन्होंने ही मेरा जन्मपत्र या मेरी जन्मपत्री बनाई थी, जन्मकुंडली बनाई थी। एक बक्से में वह जन्मकुंडली मुझे बचपन में मिल गई थी। मैंने उस तटस्थता से उसकी तीन प्रतीक की कि जन्मदिन मुझे याद न रहे,
अपने हाथ से तीन प्रतियां कर दी, लेकिन उस भावना से भावित होकर के जन्मदिन मुझे याद न रहे, क्योंकि बचपन में ही मालूम था कि मुझे सन्यासी होना है, महात्मा होना है, बाबा होना है, गृहस्थाश्रम को स्वीकार नहीं करना। स्वामी जी की यह देन है कि जन्मभूमि पहुंचकर जन्मपत्री ले आए, उसी के आधार पर यह जन्म दिवस मनाया जा रहा है। मैं समझता हूँ इन्हीं का जन्म दिवस है। सज्जनों, आपकी सहानुभूति की सराहना है, आपकी भावना की सराहना है, आपके अपनत्व की सराहना है। यह भारतवर्ष है, विश्व कार्यदय है। वस्तु स्थिति यह है कि सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे, ईसा मसीह जी के पूर्वज कौन थे, मूसा जी के पूर्वज कौन थे, सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य ही सिद्ध होते हैं, हिंदू ही सिद्ध होते हैं। मैं एक संकेत करता हूँ, बृहदारण्यक उपनिषद में स्तुति को उद्भाषित किया गया है कि श्रीमन नारायण के नाभि कमल से महासर्ग के प्रारंभ में हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी, जो कि सर्वजीव घनात्मक सर्वदेव घनात्मक हैं, उनकी अभिव्यक्ति हुई। श्री ब्रह्मा जी ने स्वयं को योग बल से मनु शत्रुपा के रूप में उद्भाषित किया, अभिव्यक्त किया। शत्रुपा जी ने योग बल से स्वयं को 84 लक्ष योनियों में संभावित स्त्रियों के रूप में व्यक्त किया। मनु जी ने योग बल से स्वयं को 84 लक्ष योनियों में संभावित पुरुष के रूप में व्यक्त किया। इस दृष्टि से विचार करें तो सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही सिद्ध होते हैं। श्रीमद् भागवत आदि पुराणों का अनुशीलन करने पर यह तथ्य डंके की चोट से उद्भासित होता है कि मरीचि, कश्यप आदि महर्षियों की धर्मपत्नियों के गर्भ से देवता धनुज आदि ही नहीं बल्कि स्थावर प्राणी तरुलता गुल्मादि भी अभिव्यक्त हुए। इस प्रकार सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही सिद्ध होते हैं, हमने संकेत किया। हमारा जो सिद्धांत है वेदादि शास्त्र सम्मत दार्शनिक वैज्ञानिक व्यावहारिक तीनों धरातल पर अकाट्य है। इस रॉकेट कंप्यूटर एटम मोबाइल के युग में भी सबको मार्गदर्शन देने की क्षमता वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्धांत में सन्निहित है। आचार्यों के मुखारविंद से उसकी दार्शनिकता वैज्ञानिकता व्यावहारिक धरातल पर अभिव्यक्त होती है। हम संकेत करना चाहते हैं, सबकी जीविका जन्म से सुरक्षित हो, सबका जीवन दुर्व्यसन मुक्त हो, इसी का नाम सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म है। मातृशक्ति का शील सदा सुरक्षित रहे, जनसंख्या सदा सुरक्षित रहे, शिक्षा रक्षा अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहे, इसकी अमोघ विधा का नाम ही सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म है। इसलिए कोई भी डमाडोल कर दे यह संभव नहीं। आजकल हम कहते हैं इस कल्प में हमारी संस्कृति 1,97,29,49,124 वर्षों की है। कोई फूक मार कर हमारी गुरु परंपरा या संस्कृत को विकृत कर दे, विलुप्त कर दे, संभव नहीं है। श्रीमन नारायण से हमारी गुरु परंपरा चलती है। 10वें स्थान पर भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग से धोते हैं। शंकराचार्य महाभाग के बाद मेरा 145वां स्थान है। श्रीमन नारायण से गुरु परंपरा की दृष्टि से मेरा 155वां स्थान है। 1,97,49,49,124 वर्षों की प्रशस्त गुरु परंपरा को कोई भी फूक मार के उड़ा दे, संभव नहीं है। इसलिए भारत तो हिंदू राष्ट्र होगा ही, पूरा एशिया महाद्वीप हिंदू महाद्वीप होगा और पूरे विश्व में सनातन सिद्धांत ही विजयी होगा। आजकल हम एक तथ्य उद्भासित करते हैं, बुश महोदय जिनके पिता भी अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे,
बुश महोदय स्वयं भी एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर शपथ ग्रहण करने जा रहे थे। उनके वाक्य अंग्रेजी में हैं, हिंदी में उन वाक्यों का अर्थ होता है, मैं जन्मजात क्रिश्चियन हूँ, बाइबल में मेरी आस्था है, परंतु सृष्टि संबंधी जो मान्यता बाइबल में अंकित है उससे मैं सहमत नहीं हूँ। आधुनिक विज्ञान ने, वैज्ञानिकों ने सृष्टि संबंधी बाइबल की मान्यताओं पर पानी फेर दिया है। वस्तु स्थिति यह है कि भगवद गीता का जितना अंश बाइबल में सन्निहित है उतना अंश ले लेने पर कुछ भी ग्रहण करने योग्य बनता नहीं, निंदा में तात्पर्य नहीं है। या छत्तीसगढ़ है ना, सेवा के नाम पर हिंदुओं को छलवर डंक की चोर से क्रिश्चियन बनाने का जो अभियान है, पक्ष विपक्ष के राजनीतिक दलों की सहभागिता के कारण ही है वह, समझ गए। राजनेता अगर दायित्व का पालन करें तो हिंदू किसी भी अन्य धर्म को स्वीकार न करें जो धर्म धर्माभास है। गरीबी पालते हैं राजनेता और लाभ उठाने देते हैं क्रिश्चियन तंत्र को, लेकिन क्रिश्चियनों सावधान, अगर आप सचमुच में ईसा मसीह जी के अनुयायी हैं तो मेरी बात को मानकर शीघ्र ही हिंदू हो जाइए। रोम में ये भाई इधर आना जाना बंद करो ना, क्या ये रोम में ईसा मसीह की प्रतिमा वैष्णव तिलक से युक्त है, समझ गए। ये रोम में ईसा मसीह की प्रतिमा वैष्णव तिलक से युक्त है। अब आप लीजिए, ईसा मसीह के नाम पर अगर कोई पलायन करते हैं तो उचित नहीं, लेकिन आपका क्या दायित्व है, हर हिंदू परिवार से एक रुपया नित्य निकले, एक घंटा नित्य निकले, उस समय का, उस संपत्ति का, उस क्षेत्र को सब प्रकार से सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण और स्वस्थ करने में लगाइए, किसी की दाल नहीं गलेगी। क्या मैंने कहा, औसतन आस्था पूर्वक अपनत्व पूर्वक एक हिंदू परिवार से एक रुपया एक घंटा नित्य निकले, उस समय का, संपत्ति का उपयोग उसी क्षेत्र को हर प्रकार से समुन्नत सुरक्षित करने में हो, किसी की दाल नहीं गलेगी। केवल पेट और परिवार तक सीमित मत रहिए। वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सिद्धांत तो हमारा यह है लेकिन व्यवहार में परिलक्षित होता है प्रायः हिंदू पेट और परिवार तक ही सीमित रहते हैं। होना क्या चाहिए, समग्र वैदिक वाङ्मय का अनुशीलन करके मैं एक वाक्य बोल रहा हूँ, सावधान, निरुपाधिक धरातल पर हम सच्चिदानंद स्वरूप ही सिद्ध हैं, विद्योपाधिक होकर के हम जगदीश्वर हैं, अविद्योपाधिक होकर के हम जीव हैं, जीव होते हुए हम जंगम प्राणी हैं, जंगम होते हुए हम मनुष्य हैं, मनुष्य होते हुए सनातनी वैदिक आर्य हिंदू हैं, सनातनी वैदिक आर्य हिंदू होते हुए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुरुष कुछ और हैं। इस प्रकार का स्वाभिमान होगा, समष्टि से व्यष्टि को जोड़ करके अगर हम अपना परिचय प्राप्त करेंगे तो पूरे विश्व में सनातन सिद्धांत ही विजयी होगा। सिद्धांत तो विजयी है लेकिन सनातन धर्मी जो माने जाते हैं उनके जीवन में सनातन सिद्धांत की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। मैंने क्या कहा, एक हिंदू परिवार से आस्था पूर्वक अपनत्व पूर्वक नित्य एक रुपया एक घंटा निकले, उस रुपये का, उस समय का उपयोग उसी क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने में करें। अच्छे से अच्छे राजनेता भी होते हैं लेकिन आजकल मैं कहा करता हूँ, शब्द वेधी वाण चलाने में राजनेता बहुत माहिर या दक्ष होते हैं। महाराजा धीराज दशरथ शब्द को सुनकर ही व्यक्ति का दर्शन किए बिना वाण का प्रयोग करते थे और वाण लक्ष्य वेध में समर्थ होता था, इसी का नाम है शब्द वेधी वाण। राजनेताओं के शब्द वेधी वाण का ज्ञान है आपको,
सवर्ण अस्वर्ण इसके नाम पर चुनाव में विजयी होते हैं फूट डाल करके, फिर श्रमजीवी बुद्धिजीवी के नाम पर चुनाव लड़ते हैं हिंदुओं को नीचा गिरा करके। और जब से माननीय राष्ट्रपति के पद पर प्रतिष्ठित हुई हैं तब से दो शब्द और हैं, आदिवासी और आगंतुक। इसका अर्थ क्या हुआ? व्यास वशिष्ठ इत्यादि इस देश के मूल निवासी नहीं थे, ये जो शब्द वेदी वर्ण हैं इनको समझ कर परख कर इनके कुचक्र में न पड़े। क्या हमने कहा? सवर्ण असवर्ण के नाम पर समाज को विभक्त करके अपना उल्लू सीधा करना राजनेताओं का दुर्व्यसन है। श्रमजीवी बुद्धिजीवी कह करके समाज को धकेल करके अपना स्वार्थ पूर्ण करना राजनेताओं का व्यसन है। आदिवासी और आगंतुक कह के समाज को धकेल करके फिर अपना स्वार्थ पूर्ण करना राजनेताओं का व्यसन हो गया है। किसी दल का मैं नहीं हूँ, मैं डंके की चोट से कहता हूँ, राजनेताओं पहले राजनीति की परिभाषा को निर्धारित करो। राजनीति की परिभाषा आपको आती नहीं और राजनेता बन के घूमते हो, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री राष्ट्रपति राज्यपाल बन के घूमते हो, उचित नहीं। वेदादि शास्त्रों का मंथन करके मैं राजनीति की प्रशस्त परिभाषा प्रस्तुत करता हूँ। सावधान, विश्व स्तर पर सबको जोड़ने वाली परिभाषा, अकाट्य परिभाषा, सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण, स्वस्थ, सभ्यताप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना वेदादि शास्त्र सम्मत राजनीति की परिभाषा है। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। आजकल विकास की चर्चा विश्व स्तर पर हो रही है, लेकिन विकास के गर्व से विस्फोट निकल रहा है। पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, वैदिक अवैदिक, आस्तिक नास्तिक, उभय सम्मत जो ऊर्जा के स्रोत हैं, इतने क्षुब्ध और कुपित दूषित बना दिए गए हैं कि चंद्रमा की सतह भी कई मीटर धस गई है। इसलिए विकास को भी वैदिक विधा से परिभाषित करने की आवश्यकता है। भोग और मोक्ष के अवरुद्ध और अनुकूल वस्तु और व्यक्ति की उद्भावना का नाम सज्जनों विकास है। फिर से सुनिए, भोग और मोक्ष के अवरुद्ध और अनुकूल वस्तु और व्यक्ति की उद्भावना का नाम विकास है। राजनीति को राजधर्म कहते हैं, क्षात्र धर्म कहते हैं, दंड नीति कहते हैं, अर्थनीति कहते हैं। ये पांचों शब्द महाभारत, मत्स्य पुराण इत्यादि में पर्यायवाचक हैं, एकार्थक हैं। राजनीति, राजधर्म, दंड नीति, अर्थनीति, क्षात्र धर्म, क्षत्रियों का धर्म, हमने संकेत किया क्षात्र धर्म। आजकल कोई कहते हैं स्वतंत्र भारत में प्रथम प्रधानमंत्री से विकृति उत्पन्न हुई। क्या विकृति उत्पन्न हुई? जाति को नहीं मानते। गीता के पहले अध्याय का अध्ययन कीजिए, जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता कुल धर्मा सनातना। अर्जुन का यह वाक्य सिद्धांत वाक्य है, वैदिक वाङ्मय में कहीं इसका निराकरण नहीं प्राप्त होता। फिर से सुनिए, जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता कुल धर्मा सनातना। अर्जुन की भावना क्या थी? संभावित युद्ध के चपेट में आकर कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि सनातन जाति धर्म वर्ण धर्म आश्रम धर्म में विकृति आ जाएगी, सनातन जाति धर्म कुल धर्म में विकृति आ जाएगी। सनातन जाति धर्म कुल धर्म को विकृत विलुप्त करने का प्रयत्न मत कीजिए। सनातन जाति धर्म और कुल धर्म के स्वरूप को, स्वभाव को, प्रभाव को समझकर अपनाने का प्रयास कीजिए, मैंने संकेत किया। इसलिए सबकी जीविका जन्म से सुरक्षित हो, सबका जीवन दुर्व्यसन मुक्त हो, मातृशक्ति का शील सदा सुरक्षित रहे, जनसंख्या सदा संतुलित रहे, शिक्षा रक्षा अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहे, इसकी अमोघ विधा का नाम ही सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस इत्यादि की लाचारी है, परंपरा से वहाँ पर
जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था विलुप्त है, वैकल्पिक ब्राह्मण वैकल्पिक क्षत्रिय वैकल्पिक वैश्य वैकल्पिक शूद्र बनाकर काम लेने की उनकी व्यवस्था है। वैकल्पिक ब्राह्मण बनाने में, वैकल्पिक क्षत्रिय बनाने में, वैकल्पिक वैश्य बनाने में, वैकल्पिक शूद्र बनाने में समय का अधिक उपयोग होता है, संपत्ति का अधिक उपयोग होता है, संस्कार का आधार नहीं हो पाता, ऊपर की श्रेणी में ही लोग भर जाते हैं। इसलिए सनातन परंपरा प्राप्त वर्ण व्यवस्था आश्रम व्यवस्था को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। एक विचित्र बात हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी श्री कटपाति जी महाभाग का वाक्य है, ध्यान पूर्वक सुनिए। सनातन धर्म में फल चौर्य नहीं है, फल से किसी को वंचित नहीं किया गया। स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता संसिद्धिम लभते नरः, स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ्य सिद्धिम विन्दति मानवः, ते पियान्ति पराम गतिम। जो भी अपने वर्णाश्रमोचित कर्म का देश काल परिस्थिति के अनुसार भगवदर्थ संपादन करता है वह भगवत तत्व को अवश्य प्राप्त करता है, उसका चित्त शुद्ध होता है, समाहित होता है, तत्व ज्ञान प्राप्त करने के अनुरूप होता है। इसलिए शिव पुराण का वचन है, क्या वचन है, शिव पुराण का वचन है कि अगर हम चाहते हैं स्वस्थ जीवन, कर्मणा जायते भक्ति, भक्तिया ज्ञानम प्रजायते, ज्ञानात प्रजायते मुक्ति, कर्मयोग का आलम्बन लेकर के हम अपने चित्त को शुद्ध और समाहित करें, भक्ति योग का लंबन लेकर कमनीय वर्णीय भजनी सगुण निर्गुण परमात्मा में मन को रमाने का प्रयास करें, भगवत भक्ति की प्रगल्भता के बल पर तत्व ज्ञान प्राप्त करके हम सदा के लिए मुक्त हो जाएं। मैं एक संकेत करता हूँ, भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने अपने भाषियों के माध्यम से जिन तथ्यों को उद्भाषित किया हिंदी में संकेत में मैं उनका निरूपण करता हूँ। सावधान, भगवान शंकराचार्य महाभाग ने लिखा, जो जिससे विरक्त होता है वह उसका अधिपति हो जाता है, और जो जिसमें अनुरक्त होता है वह उसके अधीन हो जाता है। हम लोग घाटे में हैं क्या, आप घर मत छोड़िए, जनक जी भी तो घर में थे। फिर से सुनिए, जो जिससे विरक्त होता है वह उसका अधिपति हो जाता है, और जो जिससे जिसमें अनुरक्त होता है उसके अधीन बन जाता है। अगर हम प्रश्न करें अधीन बनोगे या अधिपति, उत्तर क्या होगा, अधिपति। जिससे हम विरक्त हो जाते हैं उसके हम अधिपति हो जाते हैं। आज देवराज इंद्र के पद पर कौन प्रतिष्ठित हैं, बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार मैं डंके की चोर से बोल रहा हूँ, बृहद भारत में सतकुल में मांत्रिक याग में अधिकृत वंश में जिनका जन्म हुआ था, जिन्होंने वेदादि शास्त्रों का विधिवत अध्ययन किया, देवराज इंद्र के पद के नीचे के पद ने वैभव ने जिनके चित्त को समाकृष्ट नहीं किया, देवराज इंद्र का पद पाने के लिए वैभव पाने के लिए अपने जीवन काल में वेदादि शास्त्र सम्मत 100 अश्वमेध यागों का जिन्होंने निर्विघ्नता पूर्वक अनुष्ठान किया, उसके प्रभाव से आज वे देवराज इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हैं। ब्रह्मा जी के पद पर कौन प्रतिष्ठित हैं, मर्त्यलोक में बृहद भारत में सतकुल में मांत्रिक याग में अधिकृत वंश में जिनका जन्म हुआ था, जिन्होंने विधिवत अहंग्रह उपासना का आलम्बन लिया, जिस अहंग्रह उपासना की परिपुष्टि के बल पर आज वह हिरण गर्भ ब्रह्मा के पद पर प्राप्त हैं, जो कि सर्वदेव घनात्मक सर्वजीव घनात्मक हैं। एक बात मैं डंके के चोर से कह दूं, चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में कहीं कोई दिव्यता है भव्यता है समझ लेना चाहिए, वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड उपासना कांड ज्ञान कांड के कारण ही है। अगर विश्व को नरक और नारकी प्राणियों का समुदाय बनाना हो तो वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड उपासना कांड ज्ञान कांड को मत अपनाइए। वैज्ञानिक भी इस तथ्य को मान लेंगे, भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने उपनिषद के आधार पर एक तथ्य को उद्भाषित किया, इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है, मन की गति भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में होती है, कालातीत अव्याकृत परमात्मा में भी होती है। इसलिए तैतृय उपनिषद के अनुसार
मनोनिष्ठ मनोमय कोष में ही वेदादि शास्त्रों की प्रतिष्ठा है। ये जितने भौतिकवादी हैं, बुरा न मानो होली है, इनको तीन शाप प्राप्त है, भगवान श्री कृष्ण की ओर से, राम जी की ओर से, नहुष इत्यादि की ओर से, रघु आदि दिलीप की ओर से, वेदादि शास्त्रों की ओर से। भौतिकता की धारा में बहने वालों, कान खोलकर छोड़ लो, सुन लो, तीन श्राप आपको प्राप्त है। अगर इन तीन श्रापों से कोई मुक्त हो भौतिकवादी, तो उससे बात करें। पहला श्राप क्या है? चीटी के समान रेंगते रहो, सिकंदर के समान कब्रिस्तान खुदवा खुदवा कर हीरे जवाहरात इकट्ठा करते रहो। जब हृदय पर हाथ रखोगे, रोते हुए चिल्लाते हुए कहोगे, हाय जो पाना था पा न सका। प्राप्तव्य की प्राप्ति भौतिक विधा से संभव नहीं है। विश्वविद्यालय के सभी डिग्री डिप्लोमा बटोरते रहो, जब हृदय पर हाथ रखकर विचार करोगे तो कहोगे, हाय जो जानना था जान नहीं सका। और करना था कर नहीं सका। दिन रात काम करते रहो, अंत में हृदय पर हाथ रखोगे, चीखते हुए भौतिकवादी कहोगे, जो करना था कर न सका, जो पाना था पा न सका, जो जानना था जान न सका। कर्तव्य प्राप्तव्य ज्ञातव्य का अंत अध्यात्म मार्ग पर चलने पर ही संभव है। यस्त्वात्म रतिरेवस्य आध्यात्म तृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृते नार्थो न कृते नेह न कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाशयः यद् ज्ञात्वा नेह भूयो यद् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। इसका अर्थ है, कर्तव्य का अंत प्राप्त करना हो तो, ज्ञातव्य का अंत प्राप्त करना हो तो, प्रत्यव्य का अंत प्राप्त करना हो तो, वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड का आलम्बन लें। और जितने भारत में, विशेषकर छत्तीसगढ़ आदि में क्रिश्चियन हो गए हैं, रोम में ईसा मसीह की प्रतिमा वैष्णव तिलक से युक्त है, अगर आप ईसा मसीह को मानते हो, पुनः हिंदू हो जाओ, और कोई ठिकाना भी नहीं है, समझ गए। हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने का और भारत को अपने चंगुल में फंसा करके इसे विलुप्त करने का, इसके अस्तित्व आदर्श को रौदने का षड्यंत्र विश्व स्तर पर चल रहा है। उस षड्यंत्र में सहभागिता का परिचय मत दीजिए। जो आपके पूर्वज स्वर्ग में वैकुंठ में हैं, कहीं आपके नाम पर रोबे नहीं, इसका प्रयास कीजिए। आपके पूर्वजों ने जिस मार्ग को अपनाया, उस मार्ग पर आप चलें। साथ ही साथ गरीबी के वशीभूत होकर, दीनता के वशीभूत होकर, निर्धनता के वशीभूत होकर कोई धर्म त्याग न करें। इसके लिए हर हिंदू परिवार का दायित्व है, एक रुपया एक घंटा नित्य निकालें। साथ ही साथ स्वास्थ्य की रक्षा के लिए और स्वरूप की रक्षा के लिए, अस्तित्व आदर्श की रक्षा के लिए कराटे आदि का प्रशिक्षण होना चाहिए। मालवीय जी ने क्या लिखा, ग्रामे ग्रामे मल्लशाला, किसी पर आक्रमण करने के लिए नहीं, स्वास्थ्य के दृष्टि से झांसी की रानी थी या नहीं, नलिहाल में रह करके उसने क्या किया था, तलवार चलाने आदि का प्रशिक्षण लिया था या नहीं। इसलिए सैन्य प्रशिक्षण हर हिंदू को होना चाहिए। हर हिंदू सेना हो, हर हिंदू सनातनी हो, एक हिंदू अपनी रक्षा करने में समर्थ हो, कम से कम 9 व्यक्तियों की और रक्षा करने में समर्थ हो। इसलिए सबका भय दान देकर अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा के लिए क्या प्रशिक्षण होना चाहिए, तीर धनुष चलाना भी सीखें, तलवार चलाना भी सीखें, घर में ही एक दूसरे पर आक्रमण न कर दें, प्रायः धैर्य कम हो जाने पर यही होता है। इसलिए हमने संकेत किया, देश की रक्षा के लिए आवश्यक है। हम एक संकेत करते हैं, सावधान, महाभारत का सिद्धांत है, वन से व्याघ्र की रक्षा होती है और व्याघ्र से वन की रक्षा होती है। वन कहे व्याघ्र कौन होता है, निकल जा, एक एक वृक्ष काट जाए, काट दिया जाएगा। और व्याघ्र कहे वन क्या होता है, हम डोलने चलते हैं, निकलते हैं, वन को छोड़ देगा, ठाई कर देगा। जिस प्रकार व्याघ्र से वन की रक्षा होती है, वन से व्याघ्र की रक्षा होती है, उसी प्रकार ब्राह्मणों से क्षत्रियों की रक्षा होती है, क्षत्रियों से ब्राह्मणों की रक्षा होती है। ब्राह्मणों में मंत्र बल की प्रधानता होती है, क्षत्रियों में बाहुबल की प्रधानता होती है,
दोनों सैद्धांतिक धरातल पर सामंजस्य साधकर चलते हैं तो धर्मराज और रामराज्य की प्रतिष्ठा होती है। उधर पृथोजित है, उधर भृगुजित है, भृगुजी या पृथोजित है या नहीं, वशिष्ठ जी और रामजी थे या नहीं, व्यास जी और युधिष्ठिर जी थे या नहीं। इसी प्रकार से हमने संकेत किया भगवान शंकराचार्य सुधन्वा थे या नहीं, इसी प्रकार से नवरत्न और विक्रमादित्य थे या नहीं, समर्थ रामदास जी और शिवाजी थे या नहीं। ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों मिल के चलेंगे, एक में मंत्र बल की प्रधानता होती है, दूसरे में बाहुबल की प्रधानता होती है। दोनों मिलकर चलते हैं तो देश के अस्तित्व आदर्श की रक्षा होती है। भगवान शंकराचार्य महाभाग जैसे पारखी मनीषी ने भगवद गीता के चौथे अध्याय के भाष्य में तथ्य को उद्भाषित किया, ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व की रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है। महाभारत का मौलिक सिद्धांत है, उसी को भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने भगवद गीता के भाष्य के माध्यम से उद्भाषित किया, ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व की रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है। ब्राह्मणों का दायित्व क्या है, संयत जीवन हो, उंगली उठाने योग्य जीवन ना हो। साथ ही साथ ब्राह्मणों का दायित्व क्या है, ब्राह्मणों सावधान, अपने दायित्व का ज्ञान ही नहीं होगा तो ब्राह्मणोचित ओज तेज का संपादन कैसे कर सकेंगे। कालक्रम से विकृत ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध करने की क्षमता हो, कालक्रम से विलुप्त ज्ञान विज्ञान को तपोबल से उद्भासित करने की क्षमता हो, सूत्रात्मक ज्ञान विज्ञान को विशद करने की क्षमता हो, विशद ज्ञान विज्ञान को समाज शैली में व्यक्त करने की क्षमता हो, व्यासपीठ में कोई विकृति हो तो शोधन करने की क्षमता हो, शासन तंत्र में राजतंत्र में कोई विकृति हो शोधन करने की क्षमता हो, दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य प्रस्थापित करने की क्षमता हो। कितने मिनट रह गए, और 5 मिनट रह गए क्या गाय, हाँ रख लीजिए, सुनिए लीजिए। नभो मार्ग में मैं 3 सूत्र बताता हूँ, नभो मार्ग में, नभ माने आकाश, नभो मार्ग में सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से सैद्धांतिक निष्पत्ति, सद्भाव पूर्वक संवाद को मत छोड़िए। नभो मार्ग में सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से, श्वेता स्वत्रोपनिषद का प्रारंभ कहाँ से होता है, ऋषि लोग थे, अलग अलग मान्यता थी सृष्टि को लेकर, एक जगह बैठ गए, सृष्टि का मूल क्या हो सकता है इस पर अपना अपना भाव निकाला, अभिव्यक्त किया, सबके भाव को एक दूसरे ने सुना, सैद्धांतिक निष्पत्ति प्राप्त हो गई। इसलिए सद्भाव पूर्वक संवाद का मार्ग मत छोड़िए। और जितने विधायक हैं, सांसद हैं आपके क्षेत्र के, 3 महीने की सीमा में बड़े स्नेह पूर्वक सम्मान पूर्वक उनको अपने क्षेत्र में बुलाइए, अपने क्षेत्र का एक प्रतिनिधि मंडल तैयार कीजिए, उनसे कहिए कि 3 महीनों की अवधि में आपने अपने क्षेत्र के लिए, प्रांत के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए क्या किया, आगे का दायित्व उनको दीजिए। MLA MP को खुले मत छूट दीजिए, स्नेह दीजिए, सुविधा दीजिए, सम्मान दीजिए। 3 महीने में आपस में जो उत्तम कोटि के व्यक्ति हैं, उत्तम छवि के, लोभ भय कोरी भावुकता अविवेक से रहित जो व्यक्ति हैं, उनकी समिति के बीच में वो MLA MP आवे, मंत्री आवे और वो बतावे कि अपने क्षेत्र के लिए, प्रांत के लिए, विश्व के लिए उन्होंने क्या किया। अब तक के प्रवचन का सारांश निकला, अरबों एटम बम की शक्ति को भी मात करने की क्षमता उसके जीवन में आती है जिसके जीवन में व्यष्टि और समष्टि का एकत्व प्राप्त है। मांडूक्य उपनिषद केवल 12 मंत्र हैं, सबसे छोटी उपनिषद है, लगता है कि उसमें कोई एटम बम आदि बनाने की कला नहीं है, लेकिन मुझे तो केवल मांडूक उपनिषद से वो ज्ञान प्राप्त हुआ है। पूरे विश्व के जितने अराजक तत्व हैं, एक और भगवान कृपा से मैं अकेले सब पर विजय प्राप्त कर सकता हूँ। विश्व की वैश्वानर रूपता का, तेजस की हिरण्यगर्भ रूपता का, प्राग की ईश्वर रूपता का, तुर्य की ब्रह्म रूपता का जिसको विज्ञान है, अरबों एटम बम की शक्ति को भी वो मात कर सकता है। तो हमने संकेत किया, गाय की बात है, सुन लो नेताओं कान खोलकर,
गोभीर विप्रैश्च वेदैश्च सत्यभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर् दानशीलैश्च सप्तभिः धार्यते महि। स्कंद पुराण माहेश्वर कुमारिका खंड अध्याय 2, काशी खंड अध्याय 2। एक ही स्कंद पुराण में यह श्लोक दो बार प्रयुक्त हुआ है। पृथ्वी के जितने धारक तत्व हैं, रमन जी और आजकल कौन है मुख्यमंत्री, बघेल जी, कान खोल कर सुनिए। पृथ्वी के जितने धारक तत्व हैं उनको विकृत और विलुप्त करने ही राजनीति का पर्याय बन गया है, विकास का पर्याय बन गया। गोभी गोवंश पृथ्वी को धारक धारण करता है, व्याख्या लंबी चौड़ी हो सकती है। विप्रैश्च सदाचार संयम संपन्न वेदज्ञ ब्राह्मण पृथ्वी के धारक हैं। वेदैश्च ऋक यजु साम अथर्व, ये वेद पृथ्वी के धारक हैं। गोभीर विप्रैश्च वेदैश्च सती भी, सती साध्वी मातृशक्ति पृथ्वी को धारण करती है। निर्लोभ व्यक्ति दानशील पृथ्वी को धारण करते हैं, सत्यवादी पृथ्वी को धारण करते हैं। पृथ्वी के जितने धारक तत्व हैं सबको विकास के नाम पर विकृत अवलुप्त करने का ही षड्यंत्र चल रहा है। इन नेताओं को यह भी ज्ञान नहीं है कि पृथ्वी के सचमुच में धारक हैं तो कौन है। और महाभारत के अनुसार अगर बोलूं तो धर्म काम सुविचार। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास नहीं उसमें किसी के प्रति विश्वास कैसे उत्पन्न हो सकता है।